वाली बहमनी जब बादशाह बने उनकी उम्र 51 साल थी। गुलबर्ग में फिरोज ताकत के ऊपर इनकी उम्र 51 साल थी। इनके भाई ने ताकत को बिठाकर बैत फरमाने के बाद 6 साल 3 महीने हुकूमत गुलबर्ग में करे और उसी के बाद आजा बनने वाला सरकार गुजरात बिदर रवाना हो जब बोले 1428 बिदर को रवाना आ गए इन्होंने अपने अंडर में ले लिए। लेने के बाद 3 साल गुजर गए शहर बिदर में तो पूरा बरगाल आ गया। आने के बाद बोले लोग ये कैसे बादशाह है, इनकी हुकूमत जरा गलत दिखे। बोले क्या बोले इन्होंने अपना जो फौज खाने का अनाज होता गोदाम वो गोदाम खोल के हर गाँव में तकसीम कर दिए उन्होंने। इसको बहुत मजहब नहीं बोले कोई उन्होंने, सिर्फ मजहब बोले दो एक औरत एक मर्द बोले उन्होंने, बाकी पूरा खजाना खोल के हर गाँव में तकसीम कर दिए। उसके बाद भी कुछ ना उसके बाद क्या करे अपनी फौज को और अपने पूरे आवाम को जमा करके कोहिनूर पहाड़ है चौकनी पीछे पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर ले जाकर पूरे हर मुल्क हर मजहब के भाई लोग को अलग अलग करे। देखो भाई आप जो प्रार्थना करना अल्लाह से भगवान से ईश्वर को प्रार्थना करो, आप लोग मुसलमान लोग को नमाज अदा करो ना करें। उसके बाद जब हजरत जब वजू करके नमाज पढ़ने लगे तो आसमान के ऊपर अबर के ढेला के जो वजह पानी पड़ने लगे तो आसमान से बारिश शुरू हो गई। उसी तरह से हम लोग सुल्तान अहमद शाह वली बहन हम लोग बोलते हैं और हिंदू मजहब के लोग अल्लामा परवू बोलते हैं उनके लिए। इनका फाजों के 595 साल होगा, हर साल में 2 मरतबा इनका उर्स होता है, एक रजत की 29 तारीख को होता है, एक होली के बाद चांद की 12 तारीख को होता है। उसी चांद की 12 तारीख को होली के मारा जाने कारण से चांद की 20 तारीख को निकल कर यहाँ पर आती है। आने के बाद शाम के 6:30 बजे चांद की 20 तारीख को आकर यहाँ पर ढेली धो डाल के संदल लगा के ऊस डाल के फाजा पड़े तो उनके अंदर संग फूकते हैं। इसी तरह मछली मगरी पूरा जुलूम को इसी तरह करती और बाद में बड़ी बिल कर छोटी बिल जाती, बाद में बड़ी बिल बनाती, बाद में पूरे परिवार का 5 दिन इसी तरह करती कि ये ऐसा मतलब बताए बादशाह आजाद। इन्हों गुजरने के बाद भी आज भी भाई पूरे मिलकर करते हैं यहाँ पर कि लोग वली लोग इसी तरह वली बनते हैं अपने जिस्म को कपड़े सहने पहने लोग और अपना जो खाना है गरीबों को खिलाते गए लोग ये कुछ कपड़े सीधे साधे दखन के बादशाह देना चाहे तो सोने के मकान में रह सकते लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किए। पूरे मजहब को और पूरे दुनिया के लोगों को देखे लोग तो इसी तरह आज जन्नत में सो गए लोग 595 सालों का उनका ध्यान सोके जन्नत में आराम फरमा रहे हैं। और दो बात ये पहला सर मैं एक मिनट ये बता के काफ़ी बोलता हूँ उसको देख लिया एक बार में ये भी लेना था ना। और मैंने इन्हीं फैमिली के 12वीं नस्ल का हूँ मैं, ये पूरा हजरत की पूरी हिस्ट्री है, नीचे नाम मेरा यहाँ पर खलील शाह भाई नाम मेरा, हम उन्हीं पीढ़ी के हैं। हमारे बाप दादा को इतना चालक नहीं था, उनको मालूम नहीं था, अनपढ़ लोग थे। ऑफिस में जाकर डकते सर अब मुझे होश आने के बाद सर मैंने हर जगह डरा नहीं, हर जगह अपने जो काम करना करता सर और हमारे आर्टिकल ऑफ पेपर में आते सरकार पूरा ही उस दौर के तलवार पैसे वगैरह पूरे मकान में रखा सरकार मैंने गवर्नमेंट लगी तो मैं गवर्नमेंट को दिया नहीं सरकार, अगर मैं दिया तो मेरी पहचान हो जाती सरकार बोल के मैं गवर्नमेंट को नहीं दिया सर। ये पूरे पेपर में आर्टिकल भी आता सर हमारा हिंदू कन्नड़ जितने पर्यावरण विजय कन्नड़ और उर्दू में जितने भी सब दक्कन क्रॉनिकल और दक्कन दक्कन के धलाती ये सब में आता सर हमारा।